कटनी के बड़वारा थाना अंतर्गत निवासी सुखीलाल चौधरी के घर में 23 तारीख के दरमियानी चोरी हुई। चोरी की रिपोर्ट पीड़ित द्वारा बड़वारा थाने में दर्ज कराई गई। इस मामले में पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि पुलिस ने चोरी का इल्जाम भी उन्हीं के ऊपर लगा दिया और बड़वारा पुलिस द्वारा परेशान किया जाता रहा, जिससे परेशान होकर सुखीलाल चौधरी और उसकी पत्नी ने जहर का सेवन कर लिया, जिससे पत्नी पगुनिया बाई की MGM में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पर परिजनों ने MGM अस्पताल परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया और न्याय की गुहार लगाने की मांग करते रहे। थाना कोतवाली प्रभारी अजय सिंह की समझाइश के बाद मृतक के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद उचित कार्यवाही करने की बात परिजनों से की है। देखा जाए तो बड़वारा थाना हमेशा से किसी न किसी मामले में सुर्खियों में बना रहा है। इसके पूर्व भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, उसके बाद भी आश्वासन देकर मामले को दबा दिया जाता रहा है। अब देखना यह है कि पीड़ितों को नवागत SP न्याय दिला पाते हैं या नहीं। सर, हमारा कहना है, हमारे घर में 21 मार्च को चोरी हुई थी और हमने रिपोर्ट भी बड़वारा थाना में दर्ज की, कई बार गए। 21 मार्च के बाद कम से कम हम वहाँ 10 बार उस थाने में जा चुके, फिर जन सुनवाई में भी एक रिपोर्ट दर्ज करवाए, एक SP के यहाँ भी दिए, 181 में भी किए, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कुछ भी पता ही नहीं चला। और बोलते हैं, हम गए जब एक दिन तो बोलते हैं कि आपकी सास तो खुद चोरी कर ली है, और जब कल फिर गए हमारे ससुर जी तो बोलते हैं कि तुम तो खुद चोरी किए हो, तुम खुद चोर हो, और जो कुछ भी बोले हो वो खुद गवाही दे रहे हैं अपने से। अभी हैं, एक की तो मृत्यु हो गई, एक हैं वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा मुझे बोला गया वहाँ डिपार्टमेंट, वहाँ के थाने के लोग ऐसा बोले हैं। तो फिर उनने जवाब भी दिया कि सर मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो बोलते हैं तुम कुछ चोर हो, कौन सा न्याय चाहिए है तुमको। तो बोले हमको हमारे घर में चोरी हुई है, हम क्यों करेंगे, अगर आपका कहना ऐसा है कि हमने चोरी खुद की है तो आज हम आपकी वजह से जाकर जहर खा लेंगे और घर वालों को भी खिला देंगे। और वो आए और सीधे खा लिए और सास को भी खिला दिए जहर। क्या नाम है? मेनका चौधरी। इकट्ठा हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या कारण था, क्या वजह थी? बड़वारा थाना के अंतर्गत ग्राम बड़वारा में शोक चौधरी के घर चोरी हुई थी 20 दिन पहले, और चोरी होने के उपरांत वह फरियादी थाने में फरियाद लेके गया, नामजद है, बताया कि इन लोगों ने, हमें शंका इन लोगों ने अपराध किया, हमारे घर के इतना सामान ले गए, लेकिन पुलिस ने इस 20 दिन में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया। 20 दिन के उपरांत कल स्वयं फरियादी कल पुनः थाने गया सवेरे 9:30 बजे के लगभग बड़वारा थाना, और उनसे थाने में जाकर के उपलब्ध स्टाफ से उन्होंने अनुरोध किया कि साहब मुझे न्याय दिलवा दीजिए, मेरा सामान दिलवा दीजिए, अपराधी के हौसले बुलंद हैं, गाली गलौज करते हैं, अतः उनको मेरा सामान। उसके बजाय कार्रवाई के बजाय पुलिस प्रशासन ने फरियादी को ही डांट करके और यह कहकर चला गया कि तुमने ही चोरी किया है, अगर ज़्यादा करोगे तो हम इसमें जेल के अंदर आपको ही डाल देंगे, आपके ऊपर ही मुकदमा कायम कर देंगे। फरियादी घबरा गया, डर गया, वहाँ से भागा और उसने जाकर के कहा कि साहब अगर ऐसा नहीं है तो मैं जाके जहर खा लूँगा। और पति पत्नी दोनों ने जहर खाया, और जिसमें पत्नी की फगुनिया भाई की डेथ अभी सुबह हो गई, जो उनके पति हैं सुखीलाल चौधरी वो सीरियस अवस्था पे भी MGM हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारी शासन प्रशासन से यह मांग है कि पुलिस का इस प्रकार की रवैया कि 20 दिन में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं और इसका अंजाम निकला इस प्रकार का है, तो हम चाहते हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से आप नवगत कटनी में आइए हम लोगों के गरीबों के बीच में और सुनिए हम लोगों के क्या पीड़ा है, और जब तक यदि अगर ये पीड़ा नहीं सुनी जाएगी तो अभी तो हमने पोस्टमार्टम को जाने दिया है, इसके बाद हम उस लाश को जाने नहीं देंगे। हमें तो न्यायिक जांच चाहिए और उस पुलिस प्रशासन के ऊपर दोषी के ऊपर कार्रवाई चाहिए और मृतिका को आश्रितों को उनको उचित न्याय चाहिए। क्या नाम है? सोहनलाल चौधरी, आजाद जिलाध्यक्ष कटनी। साल में जो महिला की मौत हुई जहर खाने से, मामला क्या है? थाना बड़वारा से अग्नि चौधरी निवासी बड़वारा की कल जहर खाने से MGM में भर्ती हुई थी, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई, उसका PM हो रहा है। PM के बाद जो भी सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जहर खाने का कारण क्या था? परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमने चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई,
तो इस कारण वो आवेश में आकर यानी पुलिस से प्रताड़ित होकर जहर खाया। नहीं नहीं, आरोप है उनका कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप तो ये भी है कि उनकी चोरी की शिकायत, उनको ही कहा गया चोरी तूने किया। अब ये मुझे जानकारी नहीं है, थाना बड़वारा का मामला है, तो उसमें जो जांच करा रहे हैं, हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया है, जो जांच में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई पोस्टमार्टम करा दिया गया? पोस्टमार्टम चल रहा है। असंतोष बता रहे हैं तो बहुत ज्यादा संतोष हुआ, वही तो बता रहे हैं हम, जो उनके आरोप रहेंगे उस पर हम जाँच कराएंगे। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की यह रिपोर्ट।